हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आपने आलू की पकौड़ी या फिर आलू के कई तरह के स्नैक्स बनाकर खाए होंगे, लेकिन मैं एकदम से न्यू स्नैक्स लेके आई हूँ और बहुत ही नया तरीका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इनको इवनिंग स्नैक्स में या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे बारिश हो रही है तो आप बारिश के मौसम में भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही चटपटे और बहुत ही अच्छे हैं। आप इनको एक बार ज़रूर बनाएं, ये आपकी फैमिली को और आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये मैंने आलू लिए हैं, आलू छोटे छोटे हैं। अगर हम मोटे आलू लेते हैं तो उसके ये स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हम छोटे छोटे आलू ही लेंगे। मैंने इनको छील लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि जो इनके ऊपर रेत या फिर मिट्टी लगी होती है वो सब हट जाए। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 कप पानी, क्योंकि हमें इनको अच्छे से बॉईल करना है। मैंने 3 कप पानी को ऐड कर दिया है। अब ऐड कर दूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक, और नमक ऐड करके हम इसको गैस ऑन करके उस पर रख देंगे और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। आलू में अच्छे से उबाल आ रहा है, लेकिन हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए और उबालेंगे। आलू अच्छे से उबल गए हैं। आलुओं को मैंने निकालूंगी बाहर और इनको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। अब हम कोई भी एक गिलास लेंगे या फिर आप कटोरी भी ले सकते हैं, और हम आलूओं पर अच्छे से प्रेस करेंगे, जिससे कि एकदम से टिकिया की तरह से बन जाए। अगर हम एकदम से इन पर प्रेस करेंगे तो आलू जो है टूट जाएंगे, इसलिए हम इसको धीरे धीरे प्रेस करना है, ताकि अच्छे से बन जाए। जैसे ये हमने बनाए हैं, ऐसे ही सारे आलूओं को अच्छे से बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। आपने आलू की कई स्नैक्स खाए होंगे, लेकिन ये वाले स्नैक्स एक बार ज़रूर बनाकर देखें। ये आपकी फैमिली को और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इनको बच्चों को भी टिफिन में बांध कर दे सकते हैं। और अगर आप ये रेसिपी एक बार ट्राई कर लेंगे तो बार बार आप इसको ज़रूर बनाएंगे। ये अच्छे से मैंने बना लिए हैं। अब ले रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच बेसन, और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें चावल का आटा। 3 चम्मच चावल का आटा ऐड कर रही हूँ, और अब ऐड करेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार मिर्ची। आप अगर थोड़ा ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो और ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक हम थोड़ा ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने उबलते हुए आलूओं में भी नमक ऐड किया था। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। हमारा घोल बनकर रेडी है। अब हम एक आलू की टिक्की लेंगे और उसको स्पून पर रखेंगे और उसको बेसन में डिप करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, वरना यह आलू है टूट जाएगा। और अब हम एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही अच्छे से गरम कर लिया था। अब मैं एक एक आलू ऐड करती जाऊंगी और इनको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे, एकदम से क्रंची होने तक। एक साइड से आलू अच्छे से सिक चुके हैं। अब मैं दूसरी साइड इनकी चेंज कर दूंगी। आप इनको टमाटो केचप या फिर हरी चटनी या फिर लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर जो मीठी चटनी होती है सौंठ वाली, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी से हैं। आप इनको एक बार ज़रूर बनाएं। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपके यहाँ अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप एकदम इनको झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं, और आपके मेहमानों को भी ये नाश्ता इतना पसंद आएगा ना कि आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये मेरा फर्स्ट बैच फ्राई हुआ है, ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दूसरा बैच भी मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। आप जैसे टूर पर जाते हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो आप इनको झटपट बनाकर भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। दूसरे बैच भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको भी एक साइड से सीख गया है, दूसरी साइड चेंज कर दूंगी। देख कितना प्यारा कलर आया है। ना हमने इसमें हल्दी का यूज किया है ना ही कुछ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे बनकर रेडी होंगे। दूसरा बैच भी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको भी निकाल लूंगी। अब मैं कर ले रही हूँ इनको टमाटो केचप के साथ सर्व। आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही पसंद आने वाला नाश्ता है। आप इसको 5 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी दूसरी वीडियो के साथ, जो एकदम सिंपल और इजी होगी। तब तक के लिए बाय।